Dear students, assalamu alaikum. My name is Mohammad Usman and I am your best teacher. Today is 18th January 2021, day 6. Okay, beta? So, class 5 students, aapko maloom hai, day 6 ki video hai. Aapko unit number 7 chal raha hai, geometry ka. Aur exercise 7b aaj humne understand karni hai. Uske kuch questions. Aur usse pehle humne kuch definitions ke baare mein padhna hoga aur yaad rakhna hoga. Kyunki jo lecture hai, exercise ke jo questions hai, wo based karte hai in definitions ke upar. Theek hai? फर्स्ट पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, द सप्ली
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ आर राइट एंगल इज आर राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जी हाँ, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अगर आपने सप्लीमेंट्री एंगल देखना है, सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 180 होता है बेटा, तो बताइए वो कौन सा एंगल होगा? 90 पे क्या प्लस करेंगे? 180 आता है, 90 ही प्लस करेंगे ना। तो इसका मतलब है राइट एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? राइट एंगल ही होता है। तो आंसर इज ट्रू। उसने भी स्टेटमेंट में यही कहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ आर राइट एंगल इज राइट एंगल। यस, इट इज ट्रू। बी पार्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 140 डिग्री। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जिनका सम 90 आता हो, जिनका सम 90 डिग्री आता हो। तो क्या 50 में 140 प्लस करें तो 90 डिग्री आता है? नो, तो इट्स फॉल्स। इट्स आंसर इज फॉल्स। यहां पे आपने फॉल्स लगाना है, ठीक है। सी पार्ट, एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्या उनका वर्टेक्स कॉमन होता है? जी हाँ, ट्रू। यस, उनका वर्टेक्स कॉमन आता है। एंगल एसीबी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल केएलएम इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक है 120, एक है 120 डिग्री और दूसरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बेटा अंदर का सम करें तो बताइए क्या आता है? 180 आता है। तो बेटा यस, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इट इज ट्रू। और पार्ट नंबर डी देखिए, ई देखिए, लास्ट में आएगा पार्ट ट्रू के बाद। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 60 डिग्री एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सब 180 होता है। तो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। यानी कि इसमें क्या एक्यूट एंगल ही प्लस करेंगे तो 180 आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्यूट होता है 90 से छोटा, 90 से छोटा 89 भी रखें तब भी इन दोनों का सम 180 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है एक्यूट एंगल का एक्यूट एंगल के साथ जो है सम 180 नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, एमसीक्यूज है बेटा। नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर है 130 और आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर ए। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज व्हाट? 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 आता हो। तो 70 में कितना प्लस करें तो 180 आता है? 110 डिग्री। तो आंसर इज 110 डिग्री। बी पार्ट, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री आर नॉट एडजेसेंट। कहते टू एंगल्स एडजेसेंट नहीं है बिकॉज दे डोंट। अच्छा, एडजेसेंट के लिए शर्त थी क्योंकि उनका वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए और उनकी एक साइड भी कॉमन आनी चाहिए। अगर एडजेसेंट नहीं है तो मतलब है उन्हें कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा ना बेटा, या कॉमन साइड नहीं होगी। तो आंसर इज दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उनका कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा इसलिए वो एडजेसेंट नहीं हुए। सी पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। सम अप टू 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। डी, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है। अगर 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 80 डिग्री, क्योंकि 10 डिग्री को प्लस करें तो 90 आता है। 80 डिग्री इज द आंसर। और लास्ट पार्ट है ई, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर डैश एंगल्स। 100 डिग्री और 80 डिग्री एंगल्स क्या है दोनों? जी हाँ, दोनों का सम 180 आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। तो आप अपने स्टूडेंट्स लेक्चर की आपने बहुत अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस करनी है और अपने आपको प्रिपेयर करना एग्जाम्स के लिए। तो बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।